हाय दोस्तों, एक बार फिर से मेरे भाई की सभी मेरे दोस्तों को नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे ओल्ड स्कूल बुली कुत्ता इन चैनल इन यूट्यूब पर। तो दोस्तों, आज का कंटेंट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज मैं पहुंचा हूं भाई कुलदीप मलिक के पास, जो कि उमरा गांव के हैं, इसार डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं। उनके पास जो इंडिया का फेमस डॉग है जोगी, जो कि इनफो पप्पू और निक्की का बच्चा है। तो आओ मिलाते हैं आज पप्पू से और मिलते हैं कुलदीप भाई से और उसकी फैमिली से। आओ दोस्तों, कुलदीप भाई। राम राम भाई, भाई। राम राम भाई, राम राम भाई। ठीक है ना? हाँ भाई। ये आपने मलिक साहब, इनका एक्सपीरियंस जो है कुत्तों का, कौन से कुत्ते हैं वो आओ देखते हैं भाई के कुत्ते। हाय दोस्तों, तो मिलियो भाई कुलदीप मलिक और इनका जो इंडिया फेमस डॉग है अपना जोगी। तो ये है दोस्तों वो जोगी, जिसके रिजल्ट की पूरे इंडिया में धूम मची हुई है और एकदम बेस्ट एंड बेस्ट डॉग इसके आते हैं जोगी के बच्चे। हाय कुलदीप भाई। राम राम भाई मेरे। ओ ठीक हो कुलदीप भाई? बिल्कुल भाई, बढ़िया। अच्छा भाई, सबसे पहले तो कुलदीप भाई आप ये बताओ, जैसे कि आप अपने इंडिया के अंदर भी ग्रुप बने हुए हैं, आप किस ग्रुप से हो? मैं भाई फ्रेंड्स ग्रुप से हूँ। अच्छा, बहुत पुराना ग्रुप है। अच्छा, जो कि अपने परसोत्तम भाई मास्टर जी मनीष जी, इन्होंने मिलके बनाया था ग्रुप। हाँ जी, हाँ, तो बहुत बढ़िया भाई। अभी भाई एक बार है ना, आप है ना, ये जो अपना डॉग है इसकी लाइन के बारे में बताओ। इसकी मदर तो है भाई निक्की, जो पाकिस्तान से इंपोर्ट थी, और फादर भी इसका पप्पू था जो पाकिस्तान से इंपोर्ट था। वेरी गुड। लाइन तो भाई एकदम इंपोर्ट ब्लड लाइन का डॉग है अपना ये। तो इसकी हाइट कितनी होगी? हाइट इसकी भाई सब 31 इंच होगी। 31 इंच इसकी हाइट। हाँ जी, वेरी गुड। और अब इसमें वेट कितना होगा भाई? करीबन भाई 70-75 के जी वेट होगा। के जी वेट, ये इसका फुल वेट है या सर्दियों में ना, बढ़ जाता है? और बढ़ जाता है। अच्छा, इसकी एज कितनी होगी भाई? इसकी एज भाई साहब करीबन 9 साल के आसपास। 9 साल के आसपास इसकी एज हो रखी है अपनी। बहुत 9 साल। हाँ जी, 9 साल हो जाएगी फरवरी में। अच्छा भाई, लगता नहीं की 9 साल का डॉग है, बहुत हैवी डॉग है इसका। भाई जो सबसे हैवी रिजल्ट आज तक का वो कौन सा डॉग है, आपको पता होगा? आपको तो वो भाई सबसे तो इसका बेस्ट, जैसे कि मास्टर जी के पास ठोकू है। हाँ, ठोकू है। और भाई एक मेरे पास था एनाकोंडा। हाँ जी, वो। और भाई एक मेरे गांव में ही है भाई सुल्तान। अच्छा जी, और ये उसी लीटर के हैं ना? सुल्तान तो ये अलग है। अच्छा, एनाकोंडा और वो ठोकू, वो दोनों मतलब सगे भाई हैं। तो और भी बहुत सारे बच्चे हैं अब की बार इसके, अच्छे अच्छा जो बच्चे हैं वो अब की बार ग्राउंड में आएंगे। बिल्कुल। तो देखा भाई आपने जोगी, अभी जोगी की फैमिली से मिलवाते हैं और भाई के पास और भी जो डॉग हैं वो दिखाते हैं। अब ये देखो भाई, भाई का सेकंड डॉग। कुलदीप भाई इस डॉग के बारे में बताओ। ये भाई मेरे किंग शेरू का बच्चा है, डायरेक्ट इंपोर्ट। हाँ, डायरेक्ट किंग शेरू का बच्चा है और इसकी मदर है कपर की बच्ची है ना जो रोक्सी। हाँ हाँ, वो इसकी माँ है भाई। ब्लड लाइन तो बिल्कुल एकदम बेस्ट ब्लड लाइन है भाई, दोनों साइड से इंपोर्ट ब्लड हो गया। हाँ, और भाई करीबन ये 2.25 साल का हो गया है। अच्छा जी, इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट भाई 32 इंच हाइट है इसकी डॉग्स की। आ जाओ, लग तो ज्यादा रही है, 32 से ज्यादा लग रही है भाई। कहने को तो भाई लोग तो 33 भी कहते हैं, 34 भी कहते हैं, लेकिन रियल इसकी 32 इंच ही हाइट है भाई। भाई देखो, गोड डॉग की जो है ना खासियत, वो स्पेशलिटी देखो, हेड कितना सुंदर है डॉग का, कितना हैवी हेड है, और पिछले पैरों की मजबूती देखो, कितने स्ट्रॉन्ग पैर है, और स्किन की क्वालिटी देखो। इसके अभी बच्चे लिए हैं भाई? इसके इससे अभी एक जोगी की बच्ची लगवाई थी, अभी उसने बच्चे दे रखे हैं। अच्छा अच्छा भाई, इसमें कितना वेट होगा भाई? इसमें होगा भाई साहब 60 केजी वेट होगा। अच्छा भाई जी, आप कुलदीप थोड़ा ये बताओ, आप डाइट में क्या देते हो अपने? डाइट में भाई साहब शाम को चिकन देता हूँ, सुबह जैसे दही दे दिया, अंडे दे दिया, कभी कभार फीड दे दिया। अच्छा अच्छा, ये डाइट देता हूँ भाई। अच्छा, चिकन में कुछ डालते हो जैसे कुछ सब्जी में? हाँ, ये सब्जी जैसे की घिया होगी, पेठा हो गया, कभी ये डाल देता हूँ, कभी चावल डाल देता हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई साहब। अच्छा कुलदीप भाई, आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है? आप ये जो बुली कुत्ते आपने रखे हैं? बस मैं 8-10 साल से कर रहा हूँ ये शौक। 8-10 साल से। सबसे पहले आपने कौन सा बुली, किस लाइन का लिया था याद भाई? सबसे पहले मैं पंजाब से एक डॉग लेके आया था, बाघा बॉर्डर से। अच्छा जी, उसकी जो पहले कोई लाइन लुइन कोई पूछा ना करता भाई साहब। हाँ जी, पहले तो सीधे फेल दिया अगर दे नुका देने ये दत्तू वाला, उसका पच्चा सब की मैं भाग लिया करता भाई। बिल्कुल भाई, क्योंकि पहले तो दो ही लाइन थी, माइकल लाइन थी और एक टाइगर लाइन थी, है ना? ये दो लाइन थी फेमस, क्योंकि
मैंने भी काफी टाइम से बोली रख रखी है 2009 से, तो यही लाइन सुनी थी मैं तो, जो रहा था माइकल का बच्चा विक्रम गोदारा के पास। तो भाइयों आपको कैसा लगा भाई का डॉग कमेंट करके बताना, और इसके बच्चे हैं भाई अभी कुलदीप भाई? हाँ इसके बच्चे आ रहे हैं भाई, तो देखते हैं भाई अगर किसी को बच्चा इसका लेना है तो आप ले सकते हो, भाई का नंबर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वो डॉग देखते हैं भाई क्या हो। ये देखो भाई जो कुलदीप भाई की शान है जोगी के साथ साथ, जैसे भाई का जोगी है वैसी ही ये भाई के पास एक फीमेल है, कितनी सुंदर फीमेल है, कितनी तगड़ी फीमेल है, इसकी ब्लड लाइन के बारे में जानते हैं कुलदीप भाई से। फीमेल देखो दोस्तों पहले बिल्कुल एकदम मस्कुलर फीमेल है, अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी देखो, पहले क्वालिटी देखो, स्किन की क्वालिटी देखो, हेड देखो, और देखो जो इसकी मेरे को सबसे अच्छी लगी लेंथ देखो फीमेल की, कितनी तगड़ी लेंथ है, बोन साइज और कितने स्पॉट, कितने सुंदर इसके फीमेल के पैर है, कहीं भी कोई एक भी तो एक बोलते थे ना पैर की नहीं रखने की भी कोई कमी नहीं है फीमेल में। एक बार इसकी नेस चेक करवाना भाई, ये देखो बाइट देखो कितनी जबरदस्त बाइट है, और बस भाई और आंखें देखो जो बुल्ली की, ये आंखें होनी चाहिए करिए भाई कुलदीप इधर एक बार, जो मेरे हिसाब से अगर बुल्ली की क्वालिटी में हम आके चेक करें तो ये आईस होनी चाहिए बुल्ली की, छोटी आंख और गहरी आंख एकदम, ये प्योर परफेक्ट प्योर बुल्ली की फीमेल है भाई की। आप जानते हैं इसकी ब्लड लाइन के बारे में कुलदीप भाई, इसकी ब्लड लाइन के बारे में बताइए आप भाई। इसकी ब्लड लाइन है, इसकी जो मदर थी वो थी किंग शेरू की बच्ची, किंग शेरू की बच्ची जी, और उस पे लगा था भाई डोन लगा था अंकुश भाई। अच्छा जो अंकुश भाई ने इनचैंप ग्रुप में जो इंपोर्ट होके आ रहा डोन व्हाइट कलर का, बड़ा ही जबरदस्त डॉग आया था भाई, वो उसकी बच्ची है डायरेक्ट। हाँ जी भाई जी, ये तो मैंने क्योंकि अंकुश भाई के ग्रुप से बाहर अगर उस ब्लड लाइन की कोई फीमेल देखी कोई भी मेल, ये फीमेल है, ये आपके पास कैसे आई भाई? एक भाई थोड़ा अपना पार्टनरशिप में है अपना भाई, उसकी है वैसे तो ये, मतलब उसका और मेरा दोनों का ही एक साथ ही है, तो वो भाई लेके आया था। हाँ क्योंकि इनसेम ग्रुप का ये एक वो रिकॉर्ड है भाई, वो अपने ब्लड है ना कभी भी बाहर नहीं देते किसी को भी, उनकी ये खासियत है भाई। मेरे को फीमेल बड़ी जबरदस्त लगी भाई की कुलदीप भाई की। अच्छा कुलदीप भाई आप थोड़ा नहीं ये बताओ इनके एक्सरसाइज के बारे में, क्या करवाते हो डॉग? एक्सरसाइज भाई सुबह सुबह खुले जाते हैं मेरे पास साथ रूम में। अच्छा जी हाँ, खुले छोड़ देता हूँ डॉग को, अपने बांध लेता हूँ और साथ साथ खुले जाते हैं भाई। ये इसके बच्चे भी लिए भाई फीमेल ना? इसके बच्चे लिए भाई। अच्छा कितनी बार बच्चे लिए इसके? एक ही बार लिए भाई। एक ही बार अभी है इसके बच्चे? अभी मेरे पास है भाई। अभी जो वो एक घर पे बच्चा देखा था वो इसी का बच्चा है, उसको आप शो नहीं कर रहे बाहर पे? सब भाई जी भाई के पास ना एक से एक बढ़ के चीज सारी की सारी एकदम परफेक्ट है, और जो टॉप ब्लड लाइन की सारी चीजें हैं और एक से एक क्वालिटी भरपूर है भाई हर एक डॉग में। आपके बड़े अच्छे डॉग लगे भाई कुलदीप आपके। ये देखो भाई जोगी का बच्चा कितना सुंदर मेल है भाई के पास, देखो कुलदीप भाई इसकी लाइन के बारे में बताइए। ये भाई जोगी का बच्चा है और किंग शेरू की बच्ची है जो इसकी माँ है, इसकी मदर है। हाँ भाई वेरी गुड। इसकी मदर की हाइट बहुत है ना? इसकी मदर की हाइट भाई 33 इंच 32 इंच ऐसी होगी, ऐसी बताई भाई। हाँ। देखो भाई ये अभी बच्चा है भाई के पास, अभी तो है नहीं, ये बच्चा दे दिया दिल्ली महेंद्र भाई के पास चला गया है, अभी वो इसको और भी जबरदस्त बनाएंगे क्योंकि उनका उनको नॉलेज इनके बारे में और एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है महेंद्र भाई को। देखो भाई साहब रिजल्ट ये भाई के पास खड़ा है, और दिखाते हैं बच्चे अभी और है भाई के पास भाई। एक भाई के पास ये फीमेल है, इसकी लाइन के बारे में बताना भाई। इसकी लाइन मेरे भाई जो लवली प्राडा, हाँ, और उसके उनकी बच्ची थी ना स्वीटी, उस पे लगा था भाई पोस्टी। अच्छा लवली और प्राडा की बच्ची स्वीटी? हाँ उसके ऊपर लगा था पोस्टी। अच्छा जी अच्छा अच्छा, ये तो आप यहाँ से ले रखे की? ये मनीष भाई के पास नारा नारी से जो वो ब्याई थी वो सोनीपत में फीमेल में। अच्छा उस लीटर की बच्ची है ये? अरे बहुत जबरदस्त रिजल्ट था वो, मैं भी लेके आने वाला था दो बच्ची वहां से लेकिन मेरे को कहीं जाना पड़ गया। ये फीमेल बहुत जबरदस्त ब्लड लाइन है, आज के दिन इंडिया में इससे ऊपर लाइन नहीं है भाई, क्योंकि जो इसे मिक्सअप जो ब्लड लाइन का है ना तीनों चारों लाइन सारी बढ़िया होगी बिल्कुल। तो ये अगर नेक्स्ट टाइम बच्चे लेंगे इससे बिल्कुल। तो भाई आपने देखे कुलदीप भाई के डॉग देखे और इनका रखने रख रखाव का तरीका देखा। देखो सबसे अच्छी बात है इनका रखने की जगह देखो कितनी खुली जगह है, खेतों में डॉग रखते हैं एक्चुअली में बुल्ली डॉग तो ना यही
ऐसे ही जगह में रखने लायक होते हैं, लेकिन हम फिर भी इनको पाल लेते हैं, फ्लैट के अंदर पाल लेते हैं, शहरों के अंदर पाल लेते हैं, लेकिन इनको अच्छी तरह से सर्वाइव करने के लिए ना ऐसी खुली जगह चाहिए जैसे कुलदीप भाई ने रख रखी है। इनके जो डॉग्स हैं ये इतने हैवी हैं, इनका एक कारण ये भी है भाई कि इनका जो स्पेस ही नहीं इतना मिलता यहाँ पे घूमने फिरने का बहुत ज्यादा, और यहाँ रखेंगे तो इनके पैर वैरों में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, क्योंकि आजकल हम जो बुली ये पप्स है इनको रखते हैं शहरों में रखते हैं, बंद कमरों में रखते हैं, जहाँ स्पेस कम वहां रखते हैं, तो आजकल जो इनके पिछले पैरों में जो दिक्कत आ रखी है वो ऐसे स्पेस के कारण आती है। तो बुली के डॉग रखने के लिए कम से कम अच्छा स्पेस चाहिए, तभी बुली पप हमने पालना चाहिए। और भाई आपने देखे कुलदीप भाई के डॉग देखे, अगर आपने कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर किसी ने जोगी का पप्पी लेना है तो आप मुझसे ले सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर इसमें है और हम आपको एक अच्छी ब्रीड का पप्पी आपको देंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।